सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज सैटर्न कैपिटल हियर। तो चलिए सेक्शन में बात करेंगे कल के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, एंड प्लस कल जो हमने स्टॉक्स आपको दिया था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो भी ट्रैक करेंगे, कहां तक जा सकता है, कितने का स्टॉप लॉस हुआ, कितने का टारगेट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, मोटो है आपको सिखाना और मार्केट में इंडिपेंडेंट बनाना। सो ये रहा हमारा ट्रेडिंग जर्नल जहाँ पे हमने स्टॉक्स कल के लिए आपको दिए थे, बजाज ऑटो एंड पीटी लाइट। सो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे। तो हम आ जाते हैं अपने एंजल के डीमैट अकाउंट पे और हम यहाँ ओपन करते हैं पहला स्टॉक जो होता है हमारा बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो को अगर हम डे बेसिस के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखिए डे बेसिस टाइम फ्रेम आज का लो रहा 8902 और आज का हाई रहा 9139 का हाई लगा। तो अगर हम डे बेसिस पे देखें तो हमारा यहाँ का टारगेट बनता है 9400 से लेकर 9600 के बीच में। दूसरा स्टॉक्स जो हमने आपको दिया था वो था पीडी लाइट। तो देखते हैं पीडी लाइट का परफॉर्मेंस कैसा रहा आज के मार्केट में। तो पीडी लाइट हमने आपको बोला था 3000 के पास लेना है, तो हमारे स्ट्रेटेजी हिसाब से आप देखेंगे तो आज गया था ये 3015। तो होप आपने पोजिशन बनाया होगा और आज का जो हाई लगा था 3050 का हाई लगा था। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक्स हैं जिसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। सो हमारी तरफ से अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो देखिए कल हमने आपको यहाँ दिया था कि कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। सो ये था पीडी लाइट, हमने बताया था 3000 to 3030 के करीब में आपको लेना है, टारगेट 3250 के अराउंड। तो प्रॉपर तरीके से आपको शेयर करता हुआ आ जाता है आपके इस ग्रुप में जहाँ पे आपको क्लियरिटी होती है कितने का पोजीशन बनाना है, और प्लस हमने पोजीशन बनाया और विद इन अ डे पीडी लाइट 12:40 पर ऑलरेडी हमें 1300 का प्रॉफिट दे चुका था और पारस में हमने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न बना चुके हैं। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने और भी सारे स्टॉक्स जो लेना था वो हमने आपको प्रॉपर चार्ट के थ्रू शेयर करते हैं ताकि आपको सीखने को मिले। हम चाहते तो सिंपल बाई लिख सकते थे लेकिन हम चार्ट शेयर करते ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ वाकई में ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ताकि आप सीख सकें। तो पर्पज़ इज कि आपको सिखाना। सो बजाज ऑटो एट द एंड हमें विद इन अ डे 10000 का प्रॉफिट दे चुका। सो इन अ सिंगल डे हम 1.74% का रिटर्न हमने बनाया और बजाज में मार्केट क्लोज होते होते हमें ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न मिल गया। तो इस तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक्स है जिसमें आपको पोजीशन बनाना है। तो कल के लिए स्टॉक्स जो है पहला जो स्टॉक्स निकल के आता है जो आज हमने आपको ग्रुप में भी दिया था, दैट इज एशियन पेंट। तो आपको एशियन पेंट में पोजीशन बनाना है, तो एशियन पेंट हम देख लेते हैं अपने चार्ट पे एशियन पेंट क्या कहता है। सो यहाँ पे हम ओपन करते हैं एशियन पेंट। तो एशियन पेंट अगर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम में क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको, तो 4 आवर के चार्ट में अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी मैच करेंगे तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉकर्स रेसाइड 20 सेटिंग तक, ये ऑलरेडी 80 से ऊपर है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है, क्या हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, और RSI 50 से ऊपर ये कंडीशन मैच होता है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे डे के टाइम फ्रेम में क्या है। जैसे ही हम डे के टाइम फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो डे के टाइम फ्रेम कीजिए, ऑलमोस्ट ये क्रॉस हो जाएगा कल 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक इज RSI भी 20 सिटी की तरफ और RSI भी 50 को क्रॉस करता हुआ, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं और पोजिशन बना सकते हैं। पोजिशन हमें बनाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स में आपको 50% क्वांटिटी डिप्लॉय करना है और रिमेनिंग 50% आपको डिप्लॉय करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आप देखेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हमें इंतजार करना है ये 50 को क्रॉस करता हुआ ऊपर है और ये स्टॉक एस आई 20 से ऊपर जाए, तो ऑलमोस्ट 2894 ये मूविंग एवरेज है, तो 2880 के करीब में हमारा एक पोजिशन बनेगा। 50% क्वांटिटी हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे 1/2 आवर के टाइम फ्रेम पे और रिमेनिंग आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है और यहाँ पे इंतजार करना है। स्टॉक के अगर सही हो सकता है यहाँ आए और नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो ऑलमोस्ट 2870 एक आइडियल प्राइस है जहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं एशियन पेंट की। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा है 2820 का, हमने स्टॉप लॉस रखा है
तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए सुपर ट्रेंड लगा लें तो हमने ऑलमोस्ट सुपर ट्रेंड को फॉलो किया है कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 2 आवर का जो सुपर ट्रेंड है वो है 2829, तो हमने 2820 का रखा है स्टॉप लॉस। तो उसके बेसिस पे आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना खोएंगे मार्केट में तो आपको डर नहीं लगेगा पोजीशन बनाने के लिए। तो हमारा एक स्टॉक पे मैक्सिमम 6000 का हमारा रिस्क कैपेसिटी है। तो टोटल हमारा रिस्क यहाँ निकल के आता है हमारे कैपिटल पे ऑलमोस्ट 2.1% का रिस्क आता है। 2.1% का रिस्क, अगर 1,00,000 रुपया मैं लगाया हूँ तो 2100 रुपये का हमारा लॉस होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी 500 के अंडर में है तो आपके पास शेयर कितने होने चाहिए, आपके पास शेयर होने चाहिए 9। तो 9 होगा जहाँ पे 540 आप लूज करेंगे, 9+8 आपके पास शेयर होगा जहाँ पे आप 480 लूज करेंगे, और जैसे ही 3000 जाएगा आपके पास 960 का प्रॉफिट आएगा। तो इस हिसाब से आपको अपना क्वांटिटी मैनेज करना है रिस्क के हिसाब से। आपको रिस्क पर शेयर, आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं करना है, आपको अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से मैनेज करनी है। तो हमारा 60 है तो हम यहाँ पे 100 शेयर्स ले सकते हैं जहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस 6000 का होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट 12000 का होगा जब ये 3000 टच करेगा। तो ये हो गया एशियन पे। तो दूसरा स्टॉक निकल के आता है, तो दूसरा आता है अदानी पोर्ट। तो आइए देखते हैं अदानी पोर्ट क्या कहता है। तो अदानी पोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अदानी पोर्ट में हमारा जो टाइम फ्रेम है वो है ऑलमोस्ट डे बेसिस का। सो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अदानी पोर्ट को देखें, 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये रहा हमारा अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट आप देखो 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक के साइड 20 सेटिंग अप और RSI 50 को क्रॉस करता हुआ। तो ये एक टाइम फ्रेम 3 आवर के टाइम फ्रेम में मैच हो गया। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी मैच होना इंपॉर्टेंट है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉकर्स अगर ऐसा ही 20 सेटिंग की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट अभी 8 है, तो जैसे ही यहाँ पे मुड़ता है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और RSI ऑलरेडी 50 से ऊपर है तो हम यहाँ पोजिशन बना सकते हैं। अगर हम इसको वीकली देखें, सो वीकली आप देखो कितना बढ़िया फॉर्मेशन बना हुआ है। तो वीकली ऑलरेडी यहाँ से एक रिटेस्ट आ गया, एक दूसरा हाई लगेगा, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक RSI 20 से 80 की तरफ और RSI 50 को क्रॉस करता हुआ। तो वीकली बेसिस पे अभी पोजीशन बना सकते हैं, उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस 3080 हमने जो स्टॉप लॉस लिया है ऑलमोस्ट 31330 का स्टॉप लॉस हमने लिया है, और हमारा जो रिस्क पर शेयर है वो 6000 रुपीज़ का है। तो जैसे ही 1480 जाता है हमारा यहाँ पे सारे टारगेट हिट हो जाएंगे, हमारे पास 12,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं 1380 के करीब में हम यहाँ पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन का बनाना है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको पोजीशन बनाना है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखिए ये नीचे आ रहा है, तो आपको इंतजार करना है कि ये नीचे आए, जैसे ये 20 को क्रॉस करे और ये 50 को क्रॉस करे हमारा 50% कैपिटल यहाँ डिप्लॉय होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1380 के करीब में हम एक पोजीशन बनाएंगे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखो ऑलरेडी 1386 का एक सपोर्ट है सुपर ट्रेंड का, तो यहाँ 1380-82 के आपके करीब में आता है, तो हम एक 50% रिमेनिंग बनाएंगे और इसको हम ट्रेल करेंगे। तो ये 2 स्टॉक्स हैं कल के लिए। एक और स्टॉक्स है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आइए देखते हैं BEL का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये BEL अगर हम देखें, सो 4 आवर, 3 आवर्स एंड 4 आवर्स, 3 आवर्स पे अगर आप BEL को देखेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी मैच हो रही है 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, 20 से 80 की तरफ स्टॉक जैसा ही 50 को क्रॉस करता हुआ RSI। तो पहला कंडीशन होता है मैच, यहाँ पे एक टाइम फ्रेम में 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या ये मैच होता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप अगर आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक की सरस अभी नीचे है, जैसे ये 20 को होगा हमारा ये कंडीशन मैच हो जाएगा एंड RSI 50 से ऊपर, तो हमारा यहाँ कंडीशन बिल्कुल मैच होता है। तो हम यहाँ पे 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी
यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉक की सरासरी ऑलरेडी 80 से ऊपर है, तो क्या ये वर्थ रिस्क टेकिंग है? क्या हम रिस्क ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं? और 50 से ऊपर है, इसके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 50% कैपिटल डिप्लॉय हो जाएगा। 290 के करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका 50%, और रिमेनिंग 1 आवर पे अगर हम देखें तो 1 आवर पे हमारी पूरी स्ट्रेटजी मैच हो रही है। 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉक की सरासरी 20 से 80 की तरफ, और RSI 50 को क्रॉस करता हुआ, तो बिल्कुल आप पोजीशन कल मार्केट ओपन होते ही इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बेल में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिया जाएगा। टारगेट हमारा 314 से लेकर 320 के बीच में। ये दो स्टॉक्स हैं कल के लिए, ये तीन स्टॉक्स हैं कल के लिए जिसमें आपको पोजीशन बनाने हैं, एशियन पेंट, अदानी पोर्ट एंड BL। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड ये ट्रेडिंग जर्नल हम उनको देते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। सैटर्न कैपिटल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आप सैटर्न कैपिटल के पार्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग जर्नल, एक डेडिकेटेड मैनेजर जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा वो, और ये फ्री कोर्सेज जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब आपके लिए अनलॉक हो जाता है। हमारा पर्पज़ आपको सिखाना है। डीमैट अकाउंट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रोकरेज दे रहे हैं, सेम ब्रोकरेज यहाँ भी है, उस ब्रोकरेज का कुछ पार्ट हमें आ जाता है, वही हमारा मोटिवेशन है काम करने का। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विथ सैटर्न कैपिटल।